माननीय सुदेश अध्यक्ष जी, नंदेश जी, हमारे सभी मीडिया के साथी, सबसे पहले मैं आज स्वर्गीय अजीत जोगी को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, आज हम एकत्रित हैं सरकार के, मोदी जी के कार्यकाल के ये एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। आज से एक साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। दशकों बाद पूर्ण बहुमत से किसी सरकार को लगातार दूसरी बार इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई और ये निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद रहा। पहले कार्यकाल 2014 देश की जनता ने एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट दिया था, देश की नीति रीति में बदलाव के लिए वोट दिया था, जड़ता और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वोट दिया था और अंत्योदय की भावना को लेकर 14 में व्यापक जनाधार मिला, जिससे न केवल भारत की आन बान शान में वृद्धि हुई बल्कि जो माइलस्टोन तय हुए, गरीबों के बैंक में खाते करोड़ों खुले, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली कनेक्शन, शौचालय बनाकर स्वाभिमान से जीने का हक, घर बनाकर गरीबों की गरिमा बढ़ाई, उनका सम्मान बढ़ाया, उसके साथ ही साथ जो बड़े काम हुए, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, वन रिंग वन पेंशन, GST और MSP की पुरानी मांगों को पूरा हुआ। मगर ये 5 साल का कार्यकाल निश्चित रूप से ऐतिहासिक था। 2019 में इन्हीं कामों को लेकर जनता ने अभूतपूर्व उत्साह दिखाया और देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बढ़त ली और ये जनता का आशीर्वाद देश की जनता के आशा और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ये आशीर्वाद देश की जनता ने दिया और उस आशीर्वाद के चलते आज मैं कह सकता हूँ कि ये एक साल निश्चित रूप से 365 दिन जीते हैं और 365 दिन में न केवल दशकों पुरानी, मैं उसको वापस रिपीट करता हूँ, दशकों पुरानी नहीं, सदियों से जनमानस के मन को झंझोड़ने वाले ऐसे बड़े निर्णय हुए जो अपने आप में इतिहास में एक माइलस्टोन बन के आने वाले 50-100 साल याद किए जाएंगे। और ये निर्णय अनुच्छेद 370 की समाप्ति का निर्णय, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 लागू करने का निर्णय, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, न जाने कितने सदियों इंतजार करना पड़ा मगर ये अवसर मिला। 2019 में जनादेश के बाद 3 तलाक इज्जत और स्वाभिमान से जीने के लिए महिलाओं के लिए एक कानून बनाने का काम हुआ, लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्य के रूप में स्थापित करने का अवसर मिला। ये 5-6 माइलस्टोन इसलिए बता रहा हूँ, ये छोटा मोटा काम नहीं था, ये इतिहास रचने वाला काम था। एक ऐसे अद्भुत निर्णय और जिसमें नारा जो दिया था मोदी जी ने, आज भी उस रास्ते पर चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। साथ लेकर, विश्वास लेकर सबके विकास, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक नारे को उन्हें उपलब्धि की। विगत 365 दिन में जो काम हुए, मैं आज 6 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 365 दिन की बात कर रहा हूँ। एक वर्ष में PM किसान सम्मान निधि के दायरे में देश के किसान, प्रत्येक किसान आ चुके हैं। इस योजना के तहत 9,50,00,000 से किसानों के खाते में 72,000 करोड़ रुपया की राशि डाली गई। ये पहली बार हुआ है जो किसानों को गरीबी से मुक्ति लाने का रास्ता तय हुआ। 72,000 करोड़,
देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था, जल जीवन मिशन, आज ही छत्तीसगढ़ को 1,000 करोड़ रुपया की राशि इसी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने दिया है ताकि अंतिम घर तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। किसान, खेतिहर मजदूर, छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष की हो गई है 3,000 रुपये नियमित मासिक पेंशन की सुविधा, ये एक बड़ा निर्णय हुआ। आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 450 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की अभियान शुरू हुआ। केंद्र सरकार की नीति और निर्णय की वजह से शहर और गांव की खाई कम हुई। पहली बार हुआ है देश में जब इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या, गांव में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या शहर में इंटरनेट करने वालों से 10% बढ़ गई। ये कनेक्टिविटी का जो चमत्कार हुआ है इस देश में और छत्तीसगढ़ में, भारत ने चंद्रयान मिशन 2 सफल प्रक्षेपण कर रूस, अमेरिका, चीन के बाद चांद में उतरने वाला 4th देश बन गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को 142 पायदान से उछल कर 63वें पायदान में जगह बनाई। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाए गए। एक मोदी जी का और इस केंद्र सरकार के जो बड़ा लक्ष्य लिए गए, स्वदेशी और स्वाभिमान और स्वावलंबन, ये बड़ा मुद्दा इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी कैसे अपनाएं, और स्वदेशी अपनाने से स्वावलंबन और स्वाभिमान की बात मोदी जी ने कही और इस बात को जोर भी दिया। कोविड-19 के महामारी के संकट को अवसर में बदलने का काम माननीय मोदी जी ने किया और आत्मनिर्भर देश बनाने की कल्पना, जिसके 5 स्तंभ अर्थव्यवस्था, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी, गतिशील जनसंख्या और मांग, इन विषय को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कार्य योजना बनाई और इसी को लेकर 20 लाख करोड़ रुपये की घोषणा आर्थिक पैकेज के रूप में दिया, जो GSDP के 10% के बराबर है। ये 20 लाख करोड़ की राशि और दुनिया में जितने पैकेज दिए गए उनमें सबसे बेहतर पैकेज में से एक पैकेज है जो दिया गया।